अब हमारा देश पूरी तरीके से तैयार है ऐसे वायरसेस से लड़ने के लिए. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेफ्टी मेजर इफ यू टॉक अबाउट इज द अवेयरनेस ऑफ पीपल. 3 से 4 दिन के कोर्स के बाद ये डिजीज अपने आप धीरे धीरे कंट्रोल होने लग जाएगी बिकॉज ये वायरल इन्फेक्शन है. हेलो एंड वेलकम टू द हेल्थ साइट पॉडकास्ट. As we are all aware of the rising cases of pneumonia outbreak in China, Indian government is also on alert for the spread of illness. अब सवाल ये है कि हम बच्चों को कैसे बचाएं? इसलिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपक प्रजापत, who is a pulmonary and critical care specialist. Thank you for inviting me on this platform. So doctor, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, what is this mysterious pneumonia outbreak in China? Basically बात करें तो ऐसा नहीं है कि ये चाइना में पहली बार हो रहा है कि इस तरीके का वायरस या बैक्टीरिया आया है. हाँ जी, ऐसे वायरसेस जनरली विंटर सीजन में आते रहते हैं. लेकिन इस बार एक नई चीज़ ये हुई है कि कोविड के बाद जो वायरसेस में और जो बैक्टीरियाज के अंदर जो म्यूटेशंस हुई हैं उसके चलते ये आउटब्रेक सडनली हुआ है. सो इस आउटब्रेक में खास बात यह है कि इस बार माइकोप्लाज्मा निमोनिया जो कि सबसे कॉमन ऑर्गेनिज्म है जो आइडेंटिफाई हुआ है. पर ऐसा नहीं है कि खाली माइकोप्लाज्मा निमोनिया की वजह से ये सारे निमोनियाज हो रहे हैं बच्चों में. इसके अलावा कुछ वायरसेस भी हैं जो कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें इन्फ्लुएंजा वायरस H9N2 वेराइटी जो है जिसकी, और राइनो वायरस है, रेस्पिरेटरी सिंसाइशियल वायरस है. सो ये कुछ वायरसेस भी हैं जो कि ये निमोनिया स्प्रेड कर रहे हैं. सो चाइना मिस्टीरियस निमोनिया आम निमोनिया से कैसे अलग है? ये आम निमोनिया से इस तरीके से अलग है कि आम निमोनिया ऐसा नहीं है कि खाली बच्चों में होगा, वो बड़ों में भी होता है. लेकिन ये जो कुछ वायरसेस हैं जो पाए गए हैं या माइकोप्लाज्मा निमोनिया की जो इन्फेक्शन अभी जो नया स्ट्रेन आया है वो पाया गया, वो बच्चों के अंदर ज़्यादा इन्फेक्शन कर रहा है. और ऐसा नहीं है कि इन्फेक्शन की वजह से ज़्यादा मौतें हो रही हैं, ऐसा नहीं है. लेकिन डिजीज की सीवियरिटी माइल्ड टू मॉडरेट है जिसके लिए कुछ बच्चों को हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ रहा है. सो डॉक्टर, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दिस निमोनिया आउटब्रेक? द मेन रीजन फॉर दिस निमोनिया आउटब्रेक इज बिकॉज इट्स अ कम्युनिकेबल डिजीज. एज वी सी इन द कोविड टाइम्स ऑल्सो, द कोविड इज ऑल्सो वायरल इन्फेक्शन. सो दीज आर ऑल्सो वायरल इन्फेक्शन, सो दे कैन स्प्रेड थ्रू द कम्युनिकेशन, थ्रू द टच, थ्रू द ड्रॉपलेट्स. इफ समवन कॉफ आउट their droplets, that can also causes a spread of infection. Some unhygienic practices, if you are not washing your hands properly, then also it can spread through your hands also. So these are some causes through which these infections spread. And the other reason for the spread is, as I mentioned, the bird flu. So through the birds it comes into the human beings. So when a person who eat those birds, this virus gets involved in the system of human beings. Should we say that it is more like COVID infection? Spread route of all the viruses are same, just like COVID. But the severity of this infection is not like COVID. So it is not like COVID infection, but yes, if we talk about the spread of infection, the spread route is almost same. So what are the primary symptoms of this pneumonia outbreak? So the primary symptoms in this pneumonia is breathlessness, then fever. The patients have low to high grade fever, and they have chest pain. They feel a congestion in the chest, and there is a dry cough. Along with that, some patients feel a sore throat. There is a itching in the throat, and the burning of eyes also. So these are some common symptoms which happen in these viruses. Doctor, ये pneumonia बच्चों में काफी spread हो रहा है. So क्या mothers भी affected हो सकते हैं? Generally जो adults patient हैं जिनको कोई comorbidity नहीं है, उन लोगों में इस वायरस का इफेक्ट बहुत कम है. जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इम्यूनिटी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन सब वायरसेस से लड़ने में. लेकिन हाँ, जिन मदर्स को डायबिटीज़ है या जो कार्डियक पेशेंट्स हैं या उनको कोई इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपीज चल रही है, ऐसी मदर्स को ध्यान रखने की ज़रूरत होती है. अगर उनको भी सिम्टम्स अर्ली आते हैं तो उन्हें डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए, क्योंकि वो हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं. यदि बच्चों को और मदर को दोनों को प्रॉब्लम हो रही है तो दोनों को सेल्फ आइसोलेट होना है. व्हाट अबाउट द ओल्ड पीपल? देखिए, ओल्ड पीपल
और अगर हम बच्चों की बात करें तो दोनों का सिस्टम सेम होता है, क्योंकि दोनों के अंदर ही इम्यून सिस्टम जो है वो वीक होता है. जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है इम्यून सिस्टम भी वीक होता चला जाता है. और जनरली हमने देखा है इंडिया में कि जितने भी ओल्डर पॉपुलेशन है उनके अंदर कोमॉर्बिडिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है. कोमॉर्बिडिटी जैसे कार्डियक कोमॉर्बिडिटी है, कार्डियक इलनेस है, या अंडरलाइंग लंग्स की डिजीज़ हैं, या हाइपरटेंशन है किसी को किडनी की समस्या है, तो इन सब लोगों के अंदर भी ये इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा डर होता है. और अगर ये इन्फेक्शन एक बार इन कैटेगरी के लोगों में होता है तो जानलेवा होता है. डॉक्टर, क्या ये जानलेवा हो सकता है? अगर हम अर्ली सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं और डिजीज़ प्रोग्रेस हो जाती है और हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, उसके लिए ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तब ये बीमारी जो है जानलेवा भी हो सकती है. सो फॉर द प्रिवेंशन पार्ट वी हैव टू अप्लाई मास्क, वी हैव टू involve the more hygienic things in our routine life, like washing your hands, then cough hygiene. You have to, if you want to cough, you have to apply proper cloth, or you have to cover your mouth with your fist or other articles so that there will be no spread of droplets. Then the other thing is whenever you go outside, ideally you have to avoid to go outside in a crowded place. The most important safety measure, if we talk about, is the awareness of people towards this viral infections. जैसे हमने कोविड में गवर्नमेंट ने लोगों को अवेयर किया, ऐसे ही अभी दोबारा से अवेयर करने की जरूरत है. डॉक्टर, इज इंडिया रेडी फॉर दिस न्यूमोनिया आउटब्रेक? लाइक हाउ आर द डॉक्टर्स एंड नर्सेज आर प्रिपेयर्ड? कोविड से हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे हेल्थ सिस्टम ने बहुत कुछ सीखा है, और अब हमारा देश पूरी तरीके से तैयार है ऐसे वायरसेस से लड़ने के लिए, बैक्टीरिया से लड़ने के लिए. और अगर किसी पेशेंट को सीरियस इन्फेक्शन भी होता है, सीरियस इलनेस भी होती है, तब भी हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स हैं, प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई है, प्रॉपर मेडिसिन हैं कि हम इनसे डील कर सकें. डॉक्टर, एनी फूड और लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट्स नेसेसरी टू यू नो फाइट दिस न्यूमोनिया? यस, डेफिनेटली. इन ऑल वायरल इन्फेक्शंस you have to modify your diet. You have to include lot of liquids in your diet. If possible, little warmer fluid. And along with the warm fluid, you have to take a green leafy vegetables in which there are lot of antioxidants are there. Then the seasonal vegetables, then nuts, all dry fruits you have to include in your diet, and a high protein diet. Okay. Yes. So, if you involve all these things in your diet, then your system become boost up. Your immunity become boost up. So, the major thing against the viral infections is your immunity. If your immunity is good, they will fight well with your with all these viruses. In lifestyle changes, you have to lose weight. If you are obese, then you have to lose weight. You have to do routine exercises. And do some yoga and pranayam or kapalbhati so that your respiratory system becomes stronger. So these are few smaller things which you can do in your routine life, and you can prevent yourself from all these viral infections. Any home remedies that can be of help? In home remedies, you can take ajwain, you can take sauf, you can take methi water. So all these things, if you are taking during the night time, then it can boost your immunity also. क्या बच्चों को दिए जाने वाले जो vaccinations हैं, क्या इस pneumonia से निपटने के लिए काफी होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भी vaccines हम देते हैं वो strain के according देते हैं. Every year when strain changes, we change the vaccines also. So government of India is looking after this कि जो भी वायरसेस के नए स्ट्रेन आ रहे हैं उनके अगेंस्ट वैक्सीन डेवलप की जाए और फिर नेक्स्ट ईयर उसी वैक्सीन को दिया जाए ताकि उसकी पैंडेमिक या एपिडेमिक ना आ सके. मेरे हिसाब से जो हम रूटीन में वायरस के लिए, इन्फेक्शन के लिए जो फ्लू की वैक्सीन लेते हैं, दोज आर सफिशेंट. बट जो नए वायरस आए हैं, इनकी जो वैक्सीन आएगी उसको तैयार होने में मे बी नेक्स्ट 2-3 months लगेंगे. तब तक थोड़ा सा हमें सावधानियाँ लेने की जरूरत है. थैंक यू डॉक्टर, दैट्स ऑल गाइस. सो आई होप आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और अगर नहीं मिले तो हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजें, और साथ में सजेशंस भी भेजिए फॉर द नेक्स्ट एपिसोड. दिस इज मी फौजिया साइनिंग अप फ्रॉम द हेल्थ साइट पॉडकास्ट.